नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। आज हम चार ऐसे फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे जो कोरोना वायरस के बीच डिजिटल पेमेंट करने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर एक, फिशिंग स्कैम। जालसाज आपको SMS के माध्यम से अनऑथोराइज्ड पेमेंट लिंक भेज सकते हैं। ये नकली बैंक के URL असली URL की तरह दिखाई देंगे। यदि जल्दबाजी में आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके फोन पर UPI पेमेंट ऐप पर डायरेक्ट करेगा और आपसे ऑटो डेबिट ऐप में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। एक बार आप परमिशन देते हैं तो अमाउंट तुरंत UPI ऐप से डेबिट हो जाएगी। कुछ वेबसाइट में फर्क समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी असली है और कौन सी फेक, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है। उदाहरण के लिए www.my.banker.com और www.mybanker.com दोनों एक ही समान है, लेकिन कोई भी जल्दी से इनका फर्क नहीं बता पाएगा। इसके अलावा नकली URL पर क्लिक करके ये आपके फोन को वायरस या मॉलवेयर से इन्फेक्ट कर सकता है, जो डिवाइस पर स्टोर फाइनेंशियल जानकारी को चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रांजल कामरा ने आगे, जो कि रायपुर आधारित फिनटेक फर्म के CEO फिनोलॉजी है, उन्होंने कहा, आपको कभी भी गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करना नहीं चाहिए। यदि आपके पास अपने लेन देन की कोई समस्या है तो प्लेटफॉर्म पर ही शिकायत दर्ज करें या ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर प्राप्त करें। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट को जान सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर दो, रिमोट स्क्रीन मिररिंग टूल। कई लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए रिमोट स्क्रीन मिररिंग टूल डाउनलोड कर रहे हैं, जो स्मार्ट TV जैसे बड़े डिस्प्ले के लिए अपने फोन या लैपटॉप को वाईफाई के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हालांकि गूगल प्ले या एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद सभी डिजिटल पेमेंट ऐप ऑथेंटिक नहीं है, विशेष रूप से जो वेरीफाइड नहीं है। एक बार जब आप एक अनवेरीफाइड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये आपके फोन से जानकारी लेगा और डिवाइस का पूरा कंट्रोल रख सकता है। इसके अलावा धोखेबाज बैंक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी घोटाला करते हैं, जो आपको वेरिफिकेशन उद्देश्यों के लिए थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद ये ऐप्स उन्हें आपके फोन का एक्सेस दे देते हैं, जिससे किसी भी तरह का मिसयूज हो सकता है। नंबर तीन, डिसेप्टिव UPI हैंडल्स। काफी फ्रॉडस्टर्स NPCI, भीम या किसी भी बैंक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के शब्दों को अपने फेक UPI ऐप में यूज करते हैं, जिससे यूजर को लगता है कि ये ऑथेंटिक UPI सोशल मीडिया पेज है। ये फ्रॉडस्टर्स नकली UPI ऐप के माध्यम से आपके अकाउंट डिटेल जानने के लिए ऐसे हैंडल बनाते हैं। कामरा की सलाह है कि किसी को UPI ब्रांड से जुड़ने की कोशिश करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। आमतौर पर लोग UPI हैंडल पर प्राप्त संदेश के स्क्रीनशॉट डालते हैं। ब्रांड आपके पोस्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन एक धोखेबाज इसे नोटिस कर सकता है और आपसे संपर्क कर सकता है। नंबर चार, OTP UPI पिन के उपयोग से घोटाले। बेंगलुरु के एक फिनटेक फर्म मनी टेप के सह संस्थापक और CEO बाला पार्थ सारथी ने कहा, हाल ही में UPI फ्रॉड हैकर्स ने ग्राहक को रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजा। ग्राहक ने ये सोच कर कि उसे धन मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कर दिया। इतने में ही उसके खाते से राशि काट ली गई। एक और बात ध्यान देने योग्य है, वो है OTP। जब आप अपने चुने हुए UPI ऐप के माध्यम से लेन देन करते हैं तो आपको या तो वन टाइम पासवर्ड यानी OTP या UPI पिन दर्ज करना होगा। OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आपका बैंक आपको बैंक के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक OTP भेजता है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपका लेन देन प्रोसेस्ड होता है। पार्थसारथी ने कहा, धोखाधड़ी करने वाले क्लासिक तरीकों में से ये एक है कि लोगों को फोन पर अपना UPI पिन या OTP साझा करने के लिए कहा जाता है। एक बार जब उनके पास डिटेल्स होती है तो वे UPI लेन देन को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ग्राहक के अकाउंट से पैसे चुरा सकते हैं। UPI पिन, OTP आदि जैसी गोपनीय डिटेल कभी भी फोन पर किसी के साथ साझा ना करें। साथ ही बैंक आपसे कभी भी ये डिटेल मांगने के लिए नहीं कहते हैं। चलिए अब जानते हैं उन तीन पॉइंट्स के बारे में जो आपको फ्रॉडस्टर से बचा सकते हैं। नंबर एक,
सरकारी एजेंसियां, बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कभी भी SMS के माध्यम से फाइनेंशियल जानकारी नहीं मांगते हैं। UPI धोखाधड़ी के मामले में बैंक या ई वॉलेट फर्म को रिपोर्ट करें और आगे के नुकसान को रोकने के लिए वॉलेट को ब्लॉक कर दें। आप पुलिस या साइबर क्राइम सेल को भी इस घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आपको केवल उन्हीं ऐप को डाउनलोड करना चाहिए जो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ऑथेंटिकेट और वेरीफाई है। नंबर 3, डिजिटल भुगतान ऐप के माध्यम से अपने फोन पर मिलने वाली स्पैम वार्निंग को कभी भी अनदेखा ना करें। यदि किसी यूजर को पहले से रिपोर्ट किया गया है तो आपके साथ लेन देन करते समय एक वार्निंग दिखाई देगी। UPI ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे इत्यादि किसी अनजान खाते से रिक्वेस्ट प्राप्त होने पर यूजर को वार्निंग के साथ अलर्ट करते हैं। खुद को इन फ्रॉड से सुरक्षित रखें और कभी भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी को ना दें। तो इस खबर पर आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।